रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां पर टाइगर स्टेट के बाद मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी मिल गया है। इसे लेकर प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है, जल्द ही अफ्रीकन चीते भी हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के बेस्ट पार्कों में प्रदेश के 3 पार्क भी शुमार हैं। वहीं वनों के संरक्षण के लिए अंडमान निकोबार से 500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, जिससे हम वनों का और अच्छे से संरक्षण कर सकेंगे। वन मंत्री विजय शाह से खास बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता अंकुर अधवरियो ने। टाइगर स्टेट के बाद मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा मिल गया है। हमारे साथ वन मंत्री विजय शाह जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? सर मध्य प्रदेश में जहाँ पर दूसरी बार हमें टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है, क्योंकि हमारा प्रबंधन पूरे हिंदुस्तान ने सराहा है, हिंदुस्तान की सरकार ने सराहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल टाइगर स्टेट का नहीं, तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा हमें मिला है। बहुत जल्दी अफ्रीकन चीते भी हमारे पास कूनों में आ रहे हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जो बेस्ट पार्क हैं और बेस्ट पार्क का जो दर्जा है 1, 2, 3, वो तीनों हमारे पास है। इससे आप कह सकते हैं, इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि जहां हमारा पार्क प्रबंधन वन्य प्राणियों की सुरक्षा जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं उनको हम लोगों ने कोशिश करा हमारे कामों के माध्यम से कि हिंदुस्तान के जो टॉप 3 पार्क हैं वो तीनों पार्क हमारे मध्य प्रदेश के हैं। वनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रही है सरकार? वनों के संरक्षण के लिए हम हिंदुस्तान में पहले स्टेट हैं जिसने दूसरे प्रदेशों से पैसा ला करके और लगभग 500 करोड़ रुपया हमारे पास अंडमान निकोबार से आने वाला है, और हम हिंदुस्तान में पहले स्टेट होंगे कि जिन्होंने दूसरे स्टेट का 500 करोड़ रुपए ला करके हमारे यहाँ वनों को आगे बढ़ाने में काम किया। बिल्कुल, ये थे वन मंत्री विजय शाह जी। इनका इनका ही कहना है कि निश्चित तौर पर वनों के संरक्षण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन इरफान के साथ भोपाल से अनादि टीवी के अंकुर अधवरियो।